पिछला खुतबा जुमा सीरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छठा खुतबा कंप्लीट होया, अज अल्लाह दी तौफीक नाल सतवां जुमा जे, और बात इत्थे चल रही सी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर और जेल दे अंदर दो नौजवान होर भी दाखिल होए। उस दिन वो भी जेल च गए। जदो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अखलाक अखलाके हसना और अखलाके करीमाना और उन्हां दा खिदमत खलक दा जज्बा वेख करके सारे ही कैदी हजरत यूसुफ दे गर्विदा हो गए, सारे उन्हां दे दिल दादा हो गए, और उन्होंने पता सी नेक बंदा है। उन्होंने दो कैदियों नूं ख्वाब आया, ख्वाब आया तो ख्वाब की ताबीर पूछण वास्ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल चले गए। कहंदे की ने, इन्ना नराका मिनल मुहसिनी, जे कुरान जी जी कहंदे ने असी बड़ा ही नेक ते बड़ा ही तकवे वाला चंगा तेनू वेखने आ, बड़ा चंगा बंदा है, इस वास्ते नेक लोगां विच्चों ए जो तेरे तो ताबीर पुछिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखदे सन, मैं तुहानू खाना तुहाडा जड़ा आण वाला है दे आण तो पहले पहले ख्वाब दी ताबीर दस देंगा। जी जी सारी वजात हुई ना, अल्लाह अकबर, ते तबीर दस देंगा, ते नाल ए नहीं आखिया कि मेरे अंदर कोई कमाल है, मैं गैब जानना ना ना, नाल ही कहने दाली कुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी। मैनू ताबीर किन्ने सिखाई है जनाब मोहतरम जफर इकबाल साहब, माशाल्लाह वजह दूरों वेख लो हर जुमा है जी। मेरे अल्ताफ भट्टी साहब वो तो राह ही रह जाते हैं ना, दो दो महीने है कितने कितने विखाली देंगे ने, तो जफर इकबाल साहब ठीक बोर्ड तो हर जुमा इलाहाबाद तो चल के आन के पढ़ते, माशाल्लाह कभी कितने बीमार शुमार हो जाण, ये अल्लाह सोने दे इनाम ने, अल्लाह जिन्होंने तौफीकां अता फरमा देता है, सुबहान अल्लाह जी। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह अकबर, मैं जो अर्ज कर रहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने दे अंदर मेरा कोई कमाल नहीं, है जड़ी मैं तुहानू ताबीर दसांगा, ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी। ये किन्ने सिखाई है? मेरे रब ने सिखाई है, सुभान अल्लाह। यानी इस ताबीर अंदर गलती दा इस्तेमाल नहीं, बाकी लोग ताबीरां करन ख्वाब दियां, ताबीर सच्ची भी हो सकती है झूठी भी हो सकती है, यानी मिनवान उस तरह भी हो सकता है, दे अपोजिट भी हो सकता है, यानी खिलाफ भी हो सकती है वाके दे, लेकिन जेड़ी मैं ताबीर दसांगा ये मैं अपनी तरफों नहीं दसांगा, ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी। मेरे रब ने मैंने सिखाई है, अंदर गलती का इस्तेमाल नहीं, सेम टू सेम वो ही होके रहे। अल्लाह अल्लाह अकबर। ते नाल कहंदे सन, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिल ला युमिनूना बिल्लाही वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। उस कौम नूं मैं छोड़ चुके हां जेड़ी कौम अल्लाह ते ईमान नहीं लियांदी, ते काफिर लोग ने रब दा इनकार करने वाले उन्हां नूं मैं छड़ चुके हां, माबूदा ने बातला नूं छोड़ चुके हां। अल्लाह अल्लाह अकबर। नाल कहंदे ने जिवें अपनी गल सुणा दे पैन, पिछले जुमे दस्या सी ना इत्थे ही बात खत्म होई सी, वा उम काफिरू।
कहते सन मैं उन्होंने छड़ चुके हैं जेड़े आखरत ते ईमान नहीं ले आते, अल्लाह ते ईमान नहीं ले आते, उते काफिर लोग होया करते ने। मैं कि अपनी गल दसते पे ने ते वाज की जा रहे ने, वाह वो कहते ने अपनी थोड़ी जी गल दसते पे ने, गल गल अंदर एडा वड्डा वाज कर गए। पिछले जुमे आखिरी मेरे जुमले सन, आखिरी जुमले सन, मैं आख्या वाज वाज ये जेदे अंदर हद दर्जे की तौहीद बयान होई, अंदाज ऐसा बेमिसाल खताबत दा। पिछले जुमे दस्या सी ना एक खतीब वास्ते बड़े बड़े असूल वजाक हो गए, और पैगंबर ते खतीब भी होया करदा है, अदीब भी होया करदा है, पैगंबर पैगंबर अखलाक दा पैकर ते मुजस्मा भी होया करदा है, सोना भी होया करदा है, ते सियाणा भी होया करदा है। पैगंबर ना पैगंबर नबी दी जात है। हुण अगली बात शुरू हुई, कहते ने मैं किया वत्तबअतु मिल्लत अबाई इब्राहीम, कहते ने मैं किदी इत्तबा करना, मैं केड़ी कौम दी, केड़ी कौम दी इत्तबा करना। फरमाया जेड़े मेरे आबाओ अजदाद जेदे च इब्राहीम व इसहाक व याकूब, जेदे च मेरे इब्राहीम मेरे इसहाक अलैहिस्सलाम मेरे याकूब वालिद ग्रामी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने वालद दा नाम लेंदे ने, अपने दादा जी दा नाम लेंदे ने, अपने जद्दों अंबिया परदादे दा नाम लेंदे ने। कहंदे ने इब्राहीम व इसहाक व याकूब, मैं ते ओला दे ओला मिल ओना दे लोगां दे पे जनाब, ओना लोगां दी उस कौम दी इत्तबा कीती है। चीदा चीदा कीमती कीमती बंदियां दा तज़करा करने दे बाद ना लेने दे बाद कहदे ने मैं कदलना अन उश्रिक बिल्लाही मिन शय, साढ़े वास्ते जायज नहीं। एडे बरगुजीदा बंदे, इतने कीमती लोग, वड़े वड़े बुजुर्गां दा, कीमती कीमती लोगां दा तज़करा करने दे बाद कहंदे ने मा का लाना जायज नहीं, साढ़े वास्ते लायक ही नहीं। केड़ी चीज लायक नहीं? अनुश्री कबिल्लाही मिन शय, असी जर्रा बराबर शई, माड़ी जी चीज शय, यानी जर्रा भार चीज जर्रा बराबर भी रब नाल शिरक करिए। कमाल बात हुंदा, कहंदे ने साडे वास्ते ते लायक ही नहीं, साडे वास्ते जायज ही नहीं है कि असी जर्रा बराबर रब नाल शरीक करिए, किसे नूं शरीक करिए ना ना लनुश कि फरमाया अनुशरीक बिल्लाही मिन शय, जर्रा बराबर शिरक करना साडे वास्ते लायक नहीं। ए जनाब ये फिकरा शिरक दे रद अंदर कितना अजीम फिकरा है, ये बोल ये जुमला कितना प्यारा जुमला है, कितना जबरदस्त है ना। प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों नु बतलाया है, खा कोई कितना ही बुजुर्ग होवे मर्तबे अंदर शान अंदर आली मकाम ते मनसब ते पहुंचिया होवे, कितना ही बुजुर्ग तरीन होवे, कितना ही मुअज्जज होवे और कितना ही आली मर्तबा ते आली शान और आली मनसब होवे, किस बड़े ओहदे ते बेशक जिस बड़े तो बड़े ओहदे ते पहुंचिया होवे, ते शिरक दी ते ओनू भी इजाजत नहीं है।
देख लो कितना प्यारा ये शिरक दा रद्द किस तरीके नाल कीता है, जिवें अपनी गल दसदे पए ने, अपनियां गल्लां करदे पए ने, अपनी दास्तान सुना रहे ने, ते नाल इतना प्यारा आवाज हो रहा तौहीद ते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा अंदाज है, कहंदे ने नहीं 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 जायज नहीं असी रब नाल शिरक करिए। इतना प्यारा फिकरा ते जुमला ते मेरा दिल करदा है कि मैं जुमे दे अंदर 5-7-10 मिनट ज्यादा दिन ते होई जुमला दोहराई जावा। अनुश्री का बिल्ला ही मिल जी जी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सैयदना यूसुफ सिद्दीक फरमांदे ने सोने वड्डे तो वड्डे लोगों नूं भी शिरक दी इजाजत नहीं। मरतबा देण वाला अल्लाह है, मकाम देण वाला अल्लाह है, बुजुर्गियां ते शाना अजमता ता फरमान वाला अल्लाह है, ते अल्लाह दे नाल उसे नूं शरीक ठहरा लिया जाए जिन्हों अल्लाह ने बुजुर्गी दिती है, जिन्हों अल्लाह ने अपना प्यारा बनाया है, जिन्हों अल्लाह ने शान ते मुकाम अता फरमाया है, उसे नूं ही रब दा शरीक बना लिया जावे। ना 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 ए बुजुर्गियां देण वाला साथ च कल्ला, सिफात विच भी कल्ला, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोनिया हुण गल समझ, अगर कोई बुजुर्गी दे गुमान अंदर समझो, इत्थे जरा एक बड़ा ही प्यारा लतीफ नुक्ता कुरान पाक ने बयान फरमाया है, गौर करन वाले को जिया चीज़ा मिलदियां ने। अगर कोई बुजुर्गी दे गुमान अंदर शिरक करेगा, क्यों जी, फिर अल्लाह ने सब तो ज्यादा पूरी मखलूक विचो नबियां दा गुरु ज्यादा बुजुर्गी वाला ज्यादा शान ते मुकाम वाला। गल समझण वाली गल, थोड़ा जिहा तवज्जो फरमाओ। सब तो ज्यादा इज्जत अल्लाह ने नबियां नूं अता फरमाई हुंदी है। ला इहदे अंदर ए नुक्ता बयान होया है, अगर कोई बुजुर्गी दे घमंड अंदर बुजुर्गी दे गुमान अंदर शिरक करेगा, समझ लो फिर अल्लाह ने अल्लाह करीम ने सूरह जुमर दे अंदर, सूरह जुमर दी आयत नंबर 88 दे अंदर अल्लाह सोने ने जनाब कैसे अलदाद नाल सतवां पारा आखर दा सतवें पारे दी हजी आखरी जरा तीसरा हिस्सा होंगे इधर वेखना जरा। हाँ जी 88 नंबर है तंदर कमाल दर्जे का आवाज फरमाया, अल्लाह करीम ने 18 अंबिया दा बरगुजीदा बड़े बड़े शाना वाले, बड़िया बड़िया अजमत वाले, बड़े बड़े मुकाम वाले 18 अंबिया दा तस्करा फरमा दिया होया। 18 अंबिया दा ना लेके फरमाया, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। اللہ کہتا ہے میرے نبیو जे दे अंदर हजरत मूसा दा नाम भी अदर हुए वक्त इतने मेरा लग जाएगा अगर मैं सारा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे नबीओ जे दे अंदर हजरत हारून दा नाम है, हजरत यूसुफ दा नाम है, हजरत याकूब और इसहाक इब्राहिम दा नाम है, जे दे अंदर हजरत मूसा ते ईसा दा नाम है, जे दे अंदर हजरत इलियास दा नाम है। अल्लाह ने 18 अंबिया दा 18 नबिया दा करा फरमा के अल्लाह फरमाया, नबियो वल्लौ अशराकू अगर तुसी भी शिरक करन लग जाओ, लहबीत अनहुम सब कुछ उन्हां दियां नेकियां हबत यानी जाया हो जाणगियां। हजी का मा कानू यामलू जड़े अमल करने, उन्हां दे अमल दी वजह तो, उन्हां दे शिरक दी वजह तो
ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਹਾਬਿਤਾ ਸੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾ ਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇਨੇ ਗੀ ਤਾ ਲਹਾਬਿਤਾ ਲਹਾਬਿਤਾ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਮ ਅੱਲਾ ਉਨਕੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਸਭ ਜਲਾ ਕਰ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕੈਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵਾਦ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਵਾਦਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਸਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਪਹਿਲੇ ਤਰਕ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਮਿਲਤ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਗਰੋਹ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ 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 ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮਗਰ ਲੈਨ ਨੁਸ਼ਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਅਨੁਸ਼ਰੀਕਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ਈ, ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾਈਏ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਜੈਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਏ, ਮਰਤਬਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਬਦਲਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਲਓ ਵਾ ਲਓ ਅਸ਼ਰਾਕੂ, ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੋ, ਲਹਾਬਿਤਾ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਇਹ ਰੱਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਏ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਨਬੀ ਦੀ, ਵਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਏ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਦਾਦਾ ਲਾਓ, ਯਾਨੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜਰਾਂ, ਸ਼ਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਜਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਖਰ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਏ, ਦਰਖਤ ਏ ਅਖੇ, ਜੇ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਬੇਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਖੇ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਹਣ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ। ਬਰ ਕੈਫ, ਵੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਕਾਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਪੈਣ ਕਿ ਦਰਖਤ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਜਰ ਹਜਰ, ਹੈਂਜੀ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ 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 ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੈਂਜੀ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਜਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਜਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਅਤਾਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਯਾਦ ਆਏ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਂ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੈਯਦ ਅਤਾਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਤੋ ਬਸ ਕੈਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਤੋ ਬਰ ਕੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀ ਏ,
कहती है वे घोड़िया हुसैन दिया घोड़िया मैं को पुत्र चढ़ी वे हुसैन दिया घोड़िया जुबान है ना अपनी मैं को पुत्र चाहे एक बाल बाल कहते ना पुत्र एक बाल एक मुंडे एक बाल प्या दे हां शाह साहब ने उदे ना सोटी गोर रख दे उदे मोहरां च मारी सोटी कहती एक फरमान लगे कमलिए घोड़े ते बछेरे दिता कर दे घोड़े को मंगनी है पुत्र ते अर्श वाला अल्लाह ही देंदा है उदे गलो क्यों नहीं मंगदी अल्लाह अकबर अल्लाह शाह जमाल ही कहेगा मुजफ्फरगढ़ दे विच उत्थे कह अल्लाह उत्थे शाह जमाल जिहड़ा है ना पीर आखे जी उत्थे अक्सर अक्सर औरतां एवे जनाब कुकड़ घिन के वेंदियां पईयां कुकड़ लैके जांदियां पईयां ने क्यों जी उह सरैकी लोगां जसी रहे आ साडी जबान पंजाबी है लेकिन असी सरैकी बोल गिनदे आ एक बंदा आता है बैकू गिन के वहदा पे आई जलसे ते ओ जलालपुर पीर आले मुल्तान पहुंचे ना ते एक जुमला में सरैकी दा बोलिया एक जुमला सरैकी दा कहंदा कारी साहबा तुहाकू सरैकी आंदी है मैं कहा बिया तुहाकू आंदी है मैं कहा मैनू नहीं आंदी ते तुहानू आंदी होर अल्लाह अकबर बरकैब आखे जी औरत कुकड़ गिन के वहदी है ते जाके आदी है मुर्शद मेरा शाह जमाल ते पुत्र देंदाई रता लाल अस्तग़फिरुल्लाह ना 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 जी जी मेरे प्यारे सोने समझो ते सही ना शाह साहब कहते ने कमलिए घोड़े को पुत्र मंगदी पई है घोड़े ते बछेरे देंदे हाँ जी पुत्र बाल देंदा है ते मैं अर्श वाला अल्लाह ही कल्ला देंदा है अल्लाह कल्ला ही को रब्बे लेकिन इधर वेखना इसे कुत्तियां ते बिल्लियां दी अजमत मन्नी पैने हाय मेरे अल्लाह कबरां दी ढेरी दी मट्टी दी अजमत रात मेरे को मसला पूछा जा रहा है एक बेटी कह रही है उस्ताद जी भला मां दी कबर कबर नू जा बोसा दिता जा सकता है मैं कहा ना ना मां जिंदा है ते उहदे पैर चुम माँ जिंदा तो वो हाथों भूसे दे है जी उदे पैर दवा माँ दियाँ खिदमत कर माँ जो चली जावे तो फिर अर्श वाले नाल राबता जोड़ माँ नाल राबता मुनकते हो गया उदे नाल राबता टुट गया और अर्श वाले नाल राबता जोड़ वो तेरी अम्मी दियाँ खैरां रखेगा तेरी अम्मी नू बहारां देगा वो अर्श वाला तेरी अम्मी नू जन्नत दियाँ हाँ जी तेरी कबर तेरी अम्मी की कबर नू जन्नत दी बहार ते गुलजार बना देगा अर्श वाले नाल राबता मजबूत कर डायरेक्ट मां नाल राबता टुट गया है जी उत्थे मट्टी नू बोसा देण नाल गल नहीं बननी ना ना ओदी तरफो मां तो चली गई वालद चला गया ओदी तरफो मदरसे वास्ते खर्च कर ओदी तरफो मस्जिद अंदर कोई काम करा दे ओदी ओदी तरफो कोई नेकी दा काम कर जिहड़ा ओदी कबर नू जन्नत दा बाग बना दे ऐसा काम कर नेक औलाद सदका जारी होती है बरके बाता दूर ना निकल जान इतने लोग विचारे शजरा तो हजरा तो कबरा तो मुरादा पै मंगते ने कबरा तो बेटे पुत्र पै मंगते ने रब न भूल गए ये मट्टी ढेरी नू ढेरी अंदर पै हुए नू जदों वो तुहाड़ियां दुआवां दा मोहताज है उन्हें पुत्र की देना है सोने उत्ते अपने वास्ते दुआ भी नहीं कर सकता दुआ वाले भी सिलसिले बंद हो गए हैं फौत होया दुआ भी नहीं कर सकता तेनू की दे सकता अपने आप का कुछ नहीं सवार सकता दुनिया तो जान वाला ते तेरा की सवारेगा तेनू कितो पुत्र देगा ना 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 बल्कि उन्हां वास्ते दुआ करिया कर जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता हर रोज सारी रात दुआ करे वालदैन वास्ते ओदा एक जुमला कबूल नहीं होएगा जुमला भी कबूल नहीं सारी रात जाया होगी उदी ते नमाज पढ़े नमाज तो बाद दस मिनट भी दुआ ना करे दो मिनट भी एक मिनट भी दुआ ना करे सलाम फेर दे उठ करके चला जावे ते अत्ता ही आत पढ़दियां होया सलाम फेरन तो पहले ऐ कह दे रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बी
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. الله ايه دعا کر دے اللہ تیری امی دی تیرے ابے دی قبر نو جنت دا باغ بنا. دعا کر کے سلام پھیریا کر سنیا اے جے کام کرن والا تے جے نماز نہ پڑھے تے کوئی عمل قابل قبول پاویں 50 لاکھ اس مسجد تے کروڑ 2 کروڑ خرچ کر دے جے نماز نہ پڑھے تینوں کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز جڑے ایتھے آن کے پڑھن گے انہاں دی نماز ہو جائے گی لیکن تینوں ککھ فائدہ نہیں ہونا اجر نہیں ملنا. اجر ملے گا تے نمازیاں نو ملے گا. نمازی جڑے بے نماز نے انہاں دے اجر ضائع ہو گئے. اللہ اکبر. جی میرے پیارے ویر ہن میں اتنی بات کہنا ہن ویکھو تے کتیاں تے بلیاں دی عظمت قائل کہ بلی غیب جان دی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ. اگے جی بزرگاں دے پیر خوراں دے کتے تے بلیاں ہی غیب جان دے نے تے سرکاراں تے پھر کتے زیادہ پہنچیاں ہوئیاں. اے کتے تے بلیاں چھوٹے رب مشرکاں دے اے چھوٹے رب انہاں دی سرکار جے دی پوجا کردے نے وڈا رب. وہ تے کہندے نے کتے جی کتے پہنچیاں ہوئیاں سرکاراں جو چاہن کر سکدے نے اللہ. لیکن دم نکل جان سا نکل جاوے پاسا نہیں پرت سکدے اپنے آپ غسل نہیں لے سکدے اپنے آپ نہا نہیں سکدے قبر قبر تک اٹھ کے چل کے جا نہیں سکدے تے رب دے سارے نظام نوں چلان واسطے رب دے شریک بن جاتے. استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. جی جی اکھے اتو بندہ فوت ہویا بچوں نہیں اے توحید دا واج جے توحید دا تے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اکثر یاد آ جاندے نے کیا بات سی انہاں دی کہندے نے چلو اتو تو فوت ہو اتو فوت ہو تے میں تیرا استنجا کروانا. جی اللہ اکبر اللہ نال ہی من گیا کہندا نہیں جی نہیں فوت ہی ہو جاندے نے انہاں نوں کسے گل دا پتہ نہیں ہوندا اگے پہلے کہندا جی اتو فوت ہوئے ہوندے نے وچوں جیندے ہی ہوندے نے. کہندے نے بندہ اتو فوت ہویا تے کدی وی اوتھے ہاتھ نہیں لواندا کسے کولوں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. لے ویکھو کس طرح دے لوگ نے کدھر جا رہے نے کی کردے پے نے. جہالت جہالت وی آخری حد عبور کر چکی ہے. اللہ 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 علم دا تے جنازہ ہی نکل چکے ہے. استغفر اللہ. کتے تے بلیاں دے بارے کہندے پھر ماشاء اللہ حضرت صاحب اوراں دی آخ بلیاں ہے جی بلیاں ایک باری کہندی ہے بلی نے آخ پیر بلی نے کولوں ہی گلیں بنائیاں آخے مہمان جن نے آندے سن نا بلی اتنی ویری میاؤں میاؤں کر دی سی اگے بلی نے آخے 5 ویری میاؤں میاؤں کیتا تے مہمان آئے تے 6 مہمان آ گئے تے پوچھتے نے مرید پوچھتے نے پیر جی بلی نے اج 6 ویری میاؤں میاؤں کیتا ہے. ہاں 5 ویری میاؤں میاؤں کیتا ہے تے میوں کی 5 ویری ہے تے مہمان کتنے آ گئے 6. آخے او کملیو تو کو پتہ نہیں او 6واں بھابی ہائی ہی واسطے انہیں جناب 6ویں مرتبہ پہ وہ بندیاں مہمان شام شمار ہی نہیں گا. واہ جی واہ. توحید والا یہ تو ہو سکتا کہ مشرکان دے وچوں نہ گنیا جاوے اگے میں دسنا جا کے اللہ مشرک نیک بندے دا نبی دا ساتھی نہیں ہو سکتا. بولو مشرک ساتھی نہیں ہو سکتا. ہن سنیا جے ذرا کتنی پیاری دلیل اے لوگ تے جناب حیوانات دیاں آوازاں تے حرکتاں تو نیک یا بری فا لیندے نے. جا رہے نے نا اگوں دی کوئی چیز گزر گئی کہندے کم نکلے نے کدھر کہندے آؤ بھی چلو واپس چلیے اج کم نہیں ہونا اپنا. کیوں جی کدھر آواز آئی کم نہیں ہونا اے مشرکاں دا کم مشرک لوگاں دا. جی 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 سننا میرے پیارے ویر اگر انسان غور کرے تے انہوں پتا چل جائے گا کہ جناب ہیں جی اشرف انسانیت دے گل منافی ہے کیونکہ اشرف انسان انسان ہے انسان دی عظمت ہے. رب نے تو ہیں جی رب نال تے مقابلہ ہو سکتا ہی نہیں.
अजमत होना अपनी जगह पर, लेकिन किसी दे जिनस बदल जाना ये नहीं हो सकता। ठीक है, इंसान इंसान ही रहेगा, जितना मर्जी मुकाम अल्लाह अता फरमा देवे। अल गरज ये नहीं हो सकता किसे नबी दा किसे वली दा, अल्लाह ने उन्होंने शान बड़ी अता फरमाई है, मगर अल्लाह अल्लाह सोना ओदी जात और सिफात अंदर कोई शरीक नहीं हो सकता। गल समझा जी, ठीक है ना, ये अंदर है जी वाज बयान होया है ना। हुण गल समझे आ जे कि जनाब बल्कि इंसान की अजमत ते शेख सईद उल फतर रहमतुल्लाह अलैह ने कमाला ही कर दितियां ने। कहंदियां ने कहंदे ने जानवर पैदा किए तेरी रजा के वास्ते, सूरज सितारे चांद हैं जिया के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी रजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। कमाल कमाल वास कर छड़िया जी जी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी गल कहने दे बाद के जर्रा बराबर भी बड़े बड़े लोगों नू शिरक करने की इजाजत नहीं। साड़ियाँ बुजुर्गियाँ बेशक ने साडे वड्डे जड़ी मिलत मैं इतबा करना जिन्ना लोगों दे मैं तरीकाकार ते चलना। बड़े बड़े लोग सन, बड़े बड़े अजीम शाना मुकामा वाले, लेकिन उन्होंने भी साढ़े वास्ते जितना मर्जी शान मिल जाए, नबिया नबुवत का मुकाम मिल जाए, लेकिन इजनी मनुश्री कबिल अगे जुमला कमाल दर्जे का बोलिया। कहने जाली कमीना ये अल्लाह का फजल है, ये साढ़े ते अल्लाह का कहते ने साढ़े ते अल्लाह का फजल है। सुबहान अल्लाह। तवज्जो, एक दिन एक बंदा कहता है टैलीफोन नंबर वो को मेरा सेव नहीं होएगा, उन्हें फोन किया तो काफ़ी देर बाद मेरी आदत है कि किसी दोस्त का फोन आया हो जो मेरा टाइम लगे मैं कॉल कर लैन्ना। मैं कॉल की ना तो उन्होंने याद ना रहा नंबर, सेव नहीं सी, तो कहता कौन साहब बोल रहे हो। मैं आख्या मैं एक निकड़ू जिया तल बिलमा कहते करी साहब मैं आख्या नहीं करी गुरी साहब ने कहते की हाल है। मैं आख्या जी दालिका एक जुमला पढ़िया, मैं आख्या दालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना। कहंदा तर्जमा भी कर दियो। मैं आख्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी दूसरी बीवी जड़ी साबरा दिशा करा हाल खवाल पुछण दे बाद कहदियां सुनना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलन गए, हजरत इस्माइल घर नहीं सुनना, ते हाल वाल पुछ के वापस जाते पे ने। हाल वाल पुछ रहे ने ते कहंदी की है, कहंदी है लोकी खावन अनाज असी गोश छत उड़ाम दे, रब दे एहसान गिनती विच नहीं आम दे, पढ़ दे नमाजा सजदे सीस झुकाम दे, कीता एहसान अल्लाह साई लाली कमिल फज़लिल्लाहि अलैना। साढ़े ते अल्लाह का फजल है कहते ने, हजरत के सानू अल्लाह ने शिरक तो बचाया है, और उन्हां लोगां ते वालनास और होर भी कई लोगां ते अल्लाह का फजल है जिन्हां नू अल्लाह ने शिरक तो बचाए। वलकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून,
लेकिन अक्सर लोग अल्लाह नाल शिरक करते ने, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। अल्लाह तौहीद वाली दे नेमत अता फरमावे ते रब दे शुक्रिया अदा करया कर, अल्लाह दे शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह तौहीद वाली दौलत अता फरमा देवे, इस वास्ते ते कहंदे ने के एक है रब दा फजल सानू लाया सिद्धे राही, है ए रब दा फजल सानू लाया सिद्धे राही, पर अक्सर लोग ना शुक्रे हुंदे कदर पछानन नाही। हजरत यूसुफ अलैह सलाम कहंदे ने या साहिब सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैर अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार। कहंदे की ने ए दो कैदियो, लेकिन तुसी जिथे भी तर्जमा लिखिया पढ़ोगे, मैं जिस दिन बहावलपुर जा रहा सा ना, स्क्रीन से ऐ कुरान पाक आ रहा सी तर्जमे वाला, ओदे च लिखिया होया सी तर्जमा कि ऐ दो जेल वाले मेरे साथियों, ये तर्जमा साहिब सिजन का यह माना लिखा सी, हालांकि माना नहीं बनता। ऐ देखिया जे असल दे अंदर ये लफज साहिबैन, साहिबैन यानी दो, साहिबैन दो वास्ते बोलिया जाता है, ते साहिबा यिस्सिजनी अजाफत दे वक्त नून गिरा दिती जाती है, और साहिबैन नू असिजन दे नाल, लफ्ज़े असिजन दे नाल मिलान वास्ते है जी जनाब अजाफत दे वक्त एक ते नून गिरा दिती गई ते जनाब, और या मिलान वास्ते याद याद नीचे कसरा दिता गया, जेर जिन्हों जेर कहते हैं, साड़ी जबान च कसरा कहते हैं, अच्छा नीचे जेर दे दिती गई, और जनाब तर्जमा बनिया दो कैदियो, ए दो कैदियो तर्जमा बनता है, ठीक है, दो मेरे साथियों या मेरे दो जेल वाले साथियों तर्जमा बनता ही, क्यों, जिस तरह साहेब माल ऐ समझा जाएगा, साहेब माल माल वाला, साहेब माल का माना की माल वाला, साहेब बैत घर वाला, साहेब बैत अहलल बैत, मैं गल समझाई थी ना किसी वक्त, अहलल पिछले साल, अहलल बैत घर वाला, अहलल बैत घर वाला, ठीक है, बीवियां आले बैत ही होंदिया ने, बीवी घर वाली होंगी, ठीक है ना, अच्छा ते ए अहल साहेबे बैत घर वाला, साहेबे सिजन जेल वाला, सी साहेबैन आ गया, फिर ए दो या मैं ना ए साहिबा यिस सिजनी, ए दो जेल दे कैदियो, ए दो कैदियो, ठीक है, ए तर्जमा बनेगा, क्यों, इस वास्ते कि जिहड़ा मुशरक हुंदा वो नबी दा साथी नहीं हो सकता, मुशरक नबी दा साथी नहीं हो सकता, वो सहाबी बनते चले गए, साथी बनते चले गए, जिहड़े शिरक नूं छड़दे गए तौहीद अपनांदे चले गए, मुशरक नबी दा साथी नहीं हो सकता। तर्जमा जिथे भी लिखिया वेखो तुसीं, वह लिखिया नहीं करना, तुसी तर्जमा जिहड़ा बनता है वो ही करना है, दो जेल वाले, ए दो जेल वाले मेरे साथियों, ये नहीं तर्जमा करना, ए दो कैदियो, गल समझ आई, हाँ हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा देने या साहिब सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैर अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार।
तुसी इंसाफ नाल दसो, इंसाफ दी गल करे आजे, रब बहुते चंगे या इको रब चंगा। सुभान अल्लाह, रब बहुते चंगे या कोई जड़ा वाहिदे कहारे। बड़ा जबरदस्त है ओ मेरा अल्लाह जड़ा कल्ला ही कहारे, ओ रब चंगा है ना। इतना जबरदस्त वाज फरमाया ना, कमाल ही हो गया ने ना। कहते कि मैं तअबुदून मिन दूनी इल्ला أن سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان। कमाल है इस जुमले अंदर। कहते ने ओ पूजा जिन्ना लोगों की जिन्ना की तुसी पूजा करते हो, उन्हां दे तुसी अपने ना अपनी मर्जी नाल रख लैने, मर्जी नाल उन्हां नूं मबूद आखना शुरू कर दिता। अर्श वाले ने यानी ना तुहाडे अबाओ जदाद ने, तुसी लोगां ने अपनी मर्जी नाल उन्हां दे ना घड़ लै, उन्हां नूं इबादत उन्हां दी करन लग गए। मैं अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह ने उन्हां दी हमायत विच कोई दलील उतारी नहीं। पीर सैयद बदीउद्दीन शाह साहब राशदी, एक बंदा मुनाजरा करने वास्ते आ गया, कहिंदा मैं शिरक दे उत्ते मुनाजरा करना, शिरक दी हमायत विच मुनाजरा करना है। तो मौलाना साहब ने यह आयत पढ़ी, मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। शिरक दी हमायत विच अल्लाह ने दलील ही कोई आसमाना तो सिरे तो नाजल ही नहीं की, तो तू मुनाजरा की करेगा। दलील तो एक भी नाजल नहीं हुई शिरक की हमायत अंदर, तो शिरक के खिलाफ सारा कुरान भरया। तो फिर मुवाहद नाल कौन मुनाजरा कर सकता है? जी 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 जी, इसे वास्ते। और कमाल हो गई ऐसी दलील के लोट पोट हो जाओ एक बारी, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया जी, इधर वेखना जरा तवज्जो फरमाना, ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون। क्या बात है, दे अंदर कमाल। متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون। कमाल दलील। हजरत फरमा देने ये मिसाल अल्लाह ने कितनी दूसरी जगह ते कमाल बयान फरमाई है। अल्लाह फरमा देने, अल्लाह मिसाल बयान कर दे दो बंदियां दी, फी ही रजुलन एक बंदा होए, फी शुराका मुतशाकिसून जेदे कोई शरीक ने, जिहड़ा कईआं दी इबादत करदा, कईआं नूं रब मनदा, कईआं नूं मुश्किल कुशा मनदा, कई उहदे दाता ने, कई उहदे बिगड़ियां बनाउण वाले, कई उहदे मुश्किल कुशा ने। क्यों जी? ते दूसरा हुआ रजुलन सलम ली रजुल, दूसरा ही बंदा वो है जिहड़ा कल्ले अल्लाह नूं दाता समझदा। सुभान अल्लाह, कल्ले दाता कल्ले अल्लाह नूं दाता समझदा, कल्ले अल्लाह नूं मुश्किल कुशा समझदा। एदा कोई जोड़ हो सकता है ना? दो बंदे दे एको जे हो सकते ने कोई? वाह बड़ी प्यारी, यानी आखिया हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दो बंदे बराबर हो सकते ने? अल्हम्दुलिल्लाह
कि अल्लाह तेरा शुक्र है सानू सिर्फ और सिर्फ तू अपना फरमा बरदार बनाया। अक्सर लोग इस गल नू जानते ही नहीं है। हजरत क्या सोचो दिल विच, हजरत क्या सोचो दिल विच, केड़ा दीन चंगेरा, बहुते रब तो साडे चंगे या इको गालिब मेरा। तर्जमा कीता कमाल दर्जे दा, कहंदे ने रब दी तरफो मूल जिना दी सनद सबूत न कोई, उसनू पूजो उस हर ते जिस दी सदा हकूमत होई। हुण ख्वाब दी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर दस रहे ने। हुण ताबीर दस दे पै ने, अखलाके करीमा वेख्या जे कितना नबी दा अखलाक उच्चा है। ठीक है भाई, कितना प्यारा अखलाक है नबी दा। ये नहीं कहंदे तेनू इंज होएगा भाई, तू ओदे ते बहाल हो जाएगा, दूसरे नू कहन तू फांसी चढ़ जाएगा। नहीं, ये नहीं, ये नबी दा अखलाक नहीं। क्यों जी? तू तू कह के नहीं वेख्या जे। कहंदे की ने, जिहड़ा तुहाडे दोहां चो एक के ना फयस्की रब्बहू खमरा, वो अपने बादशाह नू शराब पिलाने ते, जिहड़ा अंगूर नचोड़दा पिया सी, अंगूरां दी शराब नचोड़ रहा सी ना, ख्वाब च वेख्या, उहदे बारे फरमाया तुहाडे च दोहां चो एक है ना जिहड़ा उहदे ते बहाल हो जाएगा, ते जुड़ा व अमल आखारू, और जिहड़ा दूसरा है ना वह सूली चढ़ जाए। वाह जी वाह, ए कमाल दर्जे दा अखलाक है नबी दा। ये नहीं क्या तू ओदे ते बहाल हो जाएगा, तू फांसी चढ़ जाएगा, नहीं ए नहीं क्या। क्यों जी? तो चो एक ओदे ते बहाल हो जाएगा, जिहड़ा दूसरा है वो फांसी चढ़ जाएगा। जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब दी ताबीर दस रहे ने। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद तो यह बात नकल की है। कहंदे ने जदों ताबीर ख्वाब दी बतला दिती गई तो कैदी तो रोण लग गया, तो कहंदे ने सानू तो ख्वाब आया ही कोई नहीं, इनकार ही कर गए सिरे तो। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहंदे ने कहते ने हुण फैसला हो चुके है, जो मैं ताबीर दस दिती है इंज ही हो करके रहेगा। इनकार किया, ख्वाब उन्होंने जरूर आया सी, ताबीर सुन के कहते आया ही नहीं। फरमाया हुण ते जो मर्जी करो, कुदी अल अमरु लजी फी ही तस्तफ्तियान, जेड़ा तुसी फतवा पूछा है इवें ही ते इवें हो के रहेगा। अल्लाह ते मौलवी दिल पजीर रहमतुल्लाह अलैह ने इहदे अंदर अपना हिस्सा पाया, ते कमाल हिस्सा पाया, कमाल दर्जे दा हिस्सा पाया। हजरत क्या सोचो सुनो असीरो, यानी एक दिन बाइबल अंदर लिखिया है कि परसों यानी तीसरे दिन वो बादशाह दी सालगिरह सी, वो जिहड़ा एक सी ना उहदे ते बहाल हो गया, और जिहड़ा शराब पिलाउण वाला दूसरा जिहड़ा बवरची सी जिहदे सिर दे उत्ते खाणा ते उह जिहड़े परिंदे कट कट के खांदे ने कुछ के, हाँ जी वह जनाब वह फांसी चढ़ गया। ते हजरत के आ सुनो असीरो ख्वाब अपने दे आले, एक तुसां ती खमर प्याले शानू वंज प्याले, यानी जिसने सुफने अंदर शानू खमर पिलाया, परसों उसनू मिले खलासी
जे मौला फजल कमाया शापले नू भर भर देवे जाम शराब सुराइया इज्जत मिलसी साकी ताई ते रब कटे सी फाइया दूजे नू शाह फांसी देसी सूली उते चढ़ावल सर उस दे दा मगजत मामी कट कट पंखी खावल बस इस वास्ते नबी कह रहे ने उदी अल अमरु लजी फी तस्तफ्तिया हुण तुहाडा रोण कुरलान नाल कुछ नहीं बनता हुण जिहड़ा फतवा पुछिया है जिहड़ी तबीर पुछी है ओ जनाब बयान हो चुकी है इन जी हो करके रहेगा। मैं दस्या सी ना दूसरे तीसरे खुतबे अंदर चौथे अंदर पता नहीं मैं दस्या सी कि ख्वाब जड़ा है ना वो बयान ना करो ठीक है जिमें अगों अटकल पचू किसी ने ला लेना गैब से अल्लाह को ना उंज दे हालात शुरू हो जाते हैं ख्वाब जड़े सुनो उन्होंने दफन कर दिया करो बस खत्म कर दिया करो ख्वाब के बारे इतनी बात है फ लबिसा फिसजनी बिदा सिनीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने साल जेल विच रहे। लो जी अगला खुतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुवाहिदाना किरदार और उस तो अगला खुतबा जड़ा ई तो तीन दिन पहले आएगा कुर्बानी दी अहमियत और फजीलत फलसफा कुर्बानी।